हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए क्लास वीडियो जिस चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास हिंदी 50 मार्क्स का मॉक टेस्ट। और इसमें जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो 25 क्वेश्चन है। और ये जो 25 क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। और यह वीडियो मॉक टेस्ट का पार्ट वन है। और इसमें जो टोटल पार्ट्स आएंगे फ्रेंड्स, वो लगभग 9 से 10 पार्ट्स आएंगे। अगर आप सभी पार्ट्स का वीडियो अच्छे से देख लेते हो तो एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो आप सभी पार्ट्स का वीडियो अच्छे से देखिएगा, ओके, ताकि आपका एग्ज़ाम का प्रिपेयर अच्छे से हो सके। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आधुनिक युग की मीरा कौन है? तो आधुनिक युग की जो मीरा है फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी है मीराबाई, ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर डी है पंत। अगर इसका आंसर आपको पहले से पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, ओके। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगर की विद्या बताएं। तो ऑप्शन है लेख, ऑप्शन बी है कहानी, ऑप्शन नंबर सी है रेखा चित्र, ऑप्शन नंबर डी है शब्द चित्र। तो मंगर की जो विद्या है फ्रेंड्स, वो है ऑप्शन नंबर डी, शब्द चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरा किस विद्या की रचना है? तो ऑप्शन है उपन्यास, ऑप्शन बी है कहानी, ऑप्शन नंबर सी है रेखा चित्र, और ऑप्शन नंबर डी है शब्द चित्र। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रेखा चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स, वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं और गुलाब के रचनाकार हैं? तो गेहूं और गुलाब के जो रचनाकार है फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन ए है दिनकर, ऑप्शन बी है रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर सी है शिव पूजन सहाय, ऑप्शन नंबर डी है महादेवी वर्मा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रामवृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है प्रेमचंद, ऑप्शन बी है नेपाली जी, ऑप्शन नंबर सी है दिनकर, और ऑप्शन नंबर डी है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो कलम का जादूगर जो कहा जाता है फ्रेंड्स, वो है ऑप्शन नंबर डी, रामवृक्ष बेनीपुरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथा सम्राट प्रेमचंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? तो ऑप्शन ए है लमही, ऑप्शन बी है बिशनपुर, ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स जौनपुर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लमही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है लाहौर, ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स लुधियाना, और ऑप्शन नंबर डी है कानपुर। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स, वो है ऑप्शन नंबर बी, लाहौर में, ओके। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, वो है ऑप्शन नंबर बी, लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल सिंह नेपाली का जन्म कब हुआ था? तो गोपाल सिंह नेपाली का जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है 1969 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1900 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1920 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स 1911 ईस्वी में। तो गोपाल सिंह नेपाली का जो जन्म हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर डी, 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 20 मई 1900 ईस्वी में। तो सुमित्रा नंदन पंत का जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स, वो हुआ था 20 मई 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि राम नरेश त्रिपाठी की भाषा के रचनाकार थे? तो ऑप्शन ए है खड़ी बोली, ऑप्शन बी है ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर सी है मैथिली, और ऑप्शन नंबर डी है मघीव। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन है, युगांत के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए है पंत, ऑप्शन बी है निराला, ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स महादेवी वर्मा, और ऑप्शन नंबर डी है प्रेमचंद। तो युगांत के जो रचनाकार है फ्रेंड्स, वो है ऑप्शन नंबर ए, पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव का प्रकाशन कब हुआ? तो ऑप्शन है 1928, ऑप्शन बी है 1929, ऑप्शन नंबर सी है 1930, और ऑप्शन नंबर डी है 1931। अगर इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ओके। तो इसका जो सही आंसर फ्रेंड्स, वह है ऑप्शन नंबर ए, 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राम नरेश त्रिपाठी का जन्म कहाँ हुआ था? तो राम नरेश त्रिपाठी का जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स, वो हुआ था ऑप्शन नंबर सी, जौनपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत खट्टे करने का अर्थ है। तो ऑप्शन है जीत जाना, ऑप्शन बी है दांत, और शिव सिवाना, और ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स पराजित करना, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दांत खट्टे का जो अर्थ है वह है ऑप्शन नंबर सी, पराजित करना। अगला क्वेश्चन है, कान देना मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन है सावधान होना, ऑप्शन बी है प्रतीक्षा करना, ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स ध्यान देना, और ऑप्शन नंबर डी है बहकाना। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ध्यान देना। कान देना मुहावरे का जो अर्थ है वह है ऑप्शन नंबर सी, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। तो घी के दिए जलाना जो मुहावरे का अर्थ है फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन है रोशनी करना, ऑप्शन बी है मन चंचल होना, और ऑप्शन नंबर सी है आनंद मनाना, और ऑप्शन नंबर डी है दिवाली मनाना। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, आनंद मनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरस्कार का विलोम है। तो पुरस्कार का जो विलोम शब्द है फ्रेंड्स वह है ऑप्शन नंबर ये, दंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्वाचीन का विलोम है। तो ऑप्शन है नवीन, ऑप्शन बी है प्राचीन, ऑप्शन नंबर सी है आधुनिक, और ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स अधुनातन। तो इसका जो सही आंसर है यानी अर्वाचीन का जो विलोम शब्द होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राचीन। ओके, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आदान का विलोम है। तो आदान का जो विलोम शब्द होगा यहाँ पे ऑप्शन है प्रदान, ऑप्शन बी है ज्ञान, ऑप्शन नंबर सी है अनजान, और ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं। तो आदान का जो विलोम शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ये, प्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ का विलोम है। तो ऑप्शन ये है नीचे, ऑप्शन बी है चेतन, ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स धरती के अंदर, और ऑप्शन नंबर डी है मिट्टी में। तो जड़ का जो विलोम शब्द है वो है ऑप्शन नंबर बी, चेतन या तना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमीर का विलोम है। तो ऑप्शन है प्रकाश, ऑप्शन बी है अंधकार, ऑप्शन नंबर सी है अंधेरा। तो तमीर का जो विलोम शब्द होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर ये, प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, जी का लिंग निर्णय करें। यहाँ पे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जी का लिंग निर्णय करें। तो ऑप्शन है उभयलिंग, ऑप्शन बी है स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर सी है पुलिंग, और ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं। तो जी का जो लिंग निर्णय होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पुलिंग। अगला क्वेश्चन है, सुकर्म में उपसर्ग बताएं। आपको सुकर्म में उपसर्ग बताना है। यहाँ पे ऑप्शन है सु, ऑप्शन बी है फ्रेंड्स सुक, ऑप्शन नंबर सी है सुकर, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो सुकर्म में जो उपसर्ग होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर ये, सु। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये, सु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ये है पो जोड़ अन, ऑप्शन नंबर बी है फ्रेंड्स प जोड़ अन, ऑप्शन नंबर सी है पव जोड़ न, और ऑप्शन नंबर डी है पव जोड़ अन। तो पवन का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ये, पो जोड़ अन। तो आज के लिए इतना है फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। ओके, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो और हम जब भी वीडियो डालें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चले जाए। तो नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर कोई आपका सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
हैं।